जनगांव नाम के गांव में लड्डू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी एक वड़ा पाव का ठेला चलाते थे। वो ठेले में वड़ा पाव बनाकर बेचते थे। लड्डू भी अपने पिताजी की मदद करता रहता था। लड्डू बहुत होशियार था। वो अखबारों में और मोबाइल में नई नई जानकारियां हासिल करता रहता था। कुछ ही दिनों में उनके ठेले के पास ही मोमोज के ठेले, सैंडविच के ठेले, बर्गर के ठेले, यूं कई विदेशी आहार के ठेले लगने के कारण इनका धंधा कम होने लगा। इस बात से चिंतित होकर लड्डू के पिताजी ने खाट पकड़ ली। ये देखकर लड्डू और उसकी माँ चिंता में पड़ गए। तब से बेचारा लड्डू अकेला ही वड़ा पाव बनाकर बेचने लगा। लेकिन जब लोगों का आना कम हो गया तो वो भी दुखी होने लगा। एक दिन शहर से लड्डू का दोस्त आया। लड्डू ने अपनी सारी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। तब लड्डू का दोस्त, यार लड्डू तू चिंता ना कर, जरा सोच के तो देख, ये वड़ा पाव जो है कई पुश्तों से चला आ रहा है। अब गांव वालों को उस पर मोह कम होने लगा है, इसीलिए इसे खाने यहाँ कोई आ नहीं रहा। ये जो तुम ठेले देख रहे हो ना, ये सब विदेशी आहार बेच रहे हैं। आजकल लोग इसे ही ज्यादा पसंद करते हैं। मेरी बात मानो यार, अब तुम ये धंधा छोड़ दो और शहर जाकर कोई नौकरी कर लो। मैं शहर में एक व्यक्ति को जानता हूँ जो पिज्जा बनाकर बेचते हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुम्हें नौकरी दे दें। लड्डू ठीक है कहकर मान गया। इस तरह लड्डू शहर के पिज्जा दुकान के पास गया। वहाँ वो उस दुकान के मालिक एक बुजुर्ग आदमी से जा मिला। लड्डू ने उनसे अपने आने की वजह बताई। उसकी बात सुनकर, यहाँ बाप खाने के लिए रो रहा है और बेटा गुलाब जामुन मांग रहा है। यहाँ मैं खुद परेशान हूँ कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा मेरे पास, और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। भाई ये तो बद्धा मजाक है, तुम्हें तनख्वाह देने के लिए मुझे पैसे कमाने होंगे ना। तब लड्डू, क्या बात कर रहे हैं सर, आपके पास ग्राहक नहीं है? सुना है शहर में लोग बहुत पिज्जा खाते हैं। अरे क्या बताऊं बेटा, आजकल लोग ये विदेशी खाना छोड़ रहे हैं और ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं। वो देखो वहाँ सामने कितने सारे ठेले हैं। इन ठेलों के आने के वजह से मेरा धंधा एकदम ठप पड़ गया है। तब लड्डू ने वहाँ नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि पिज्जा के ठेले के सामने डोसा का ठेला, इडली का ठेला, चाट का ठेला, यूं कई किस्म के देसी आहार के ठेले लगे हुए थे और लोग वहाँ डट कर खा रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ आते और वहाँ डोसा इडली खा कर जाते। देखा, आजकल तो जिसके पास पैसे हैं या जिसके पास पैसे नहीं है, सब आकर ये सब खा कर जाते हैं, और इनका दाम भी कम है तो ये खूब पैसे कमा रहे हैं। तो ये बात है, हम बेटा तुम एक काम करो, कहीं और नौकरी ढूंढ लो। तब लड्डू के दिमाग की बत्ती जली। लड्डू साहब, मैं गांव में वड़ा पाव का ठेला चलाता था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर आप हाँ कहें तो मैं आपके पिज्जा के साथ वड़ा पाव मिलाकर बेचूंगा, क्योंकि उसमें देसी और विदेशी दोनों किस्म के आहार मिला होगा तो लोगों को वो बहुत पसंद आएगा। हम उसका दाम भी कम लगाएंगे। उस आदमी को ये आइडिया अच्छा लगा। अगर ये बात है बेटा तो ये दुकान छोड़ देते हैं, खामखा इसका किराया भरना होगा। हम एक ठेला लगा लेंगे, उसमें वड़ा पाव और पिज्जा बनाकर बेचेंगे, और जो मुनाफा आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे। बात रही लागत की तो पैसे मैं लगाऊंगा। यूं दोनों ने मिलकर एक ठेले में वड़ा पाव पिज्जा बनाकर बेचने लगे। लोगों को इसमें नयापन दिखा तो ज्यादातर लोग यहां आकर खाने लगे। यूं कम समय में उनका धंधा खूब चलने लगा। एक दिन लड्डू ने अपने हिस्से के पैसे लिए और कहने लगा, साहब अब मैं अपने गांव जाकर ये धंधा करूंगा, मेरे माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है साहब। ऐसा कहा के लिए मान गया। इस तरह लड्डू अपने गांव लौटा और वहाँ वड़ा पाव पिज्जा बेचते हुए अपने माँ बाप की देखभाल करते हुए खुशी खुशी रहने लगा।